टुडे वो टॉपिक इज पंपिंग लेमा, और जिसके अंदर हम इस चीज को प्रूव करेंगे कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं. सो पंपिंग लेमा बेसिकली इज यूज्ड टू प्रूव दैट द लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट. अच्छा, अब ये हमें इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है कि हम इस चीज को प्रूव कर दें कि लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है, या लैंग्वेज रेगुलर नहीं है. इससे पहले हमने जब फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस किया था और उसके अंदर जब हमने लैंग्वेज को डिस्कस किया था स्टार्ट में, तो हमने कहा था कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है, लाइक DFA, NFA, Epsilon NFA, या उसके लिए कोई रेगुलर एक्सप्रेशन अगर एग्जिस्ट करती है, तो हम कहते हैं कि वो लैंग्वेज है वो रेगुलर है, और अगर ऐसा नहीं है तो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है. तो यहाँ पर हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं. हम यहाँ पर नॉन रेगुलरिटी ऑफ द लैंग्वेज को प्रूव करने जा रहे हैं. तो ये प्रूव करेंगे कि जी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है. लेकिन अगर हम ये प्रूव नहीं कर पाते कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लैंग्वेज रेगुलर है. लेकिन इसका इसकी एग्जांपल ये कुछ इसको समझने के लिए कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई भी एक लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है और हम इस लैंग्वेज के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल पंपिंग लेमा अप्लाई करते हैं, पंपिंग लेमा, तो इसका रिजल्ट दो तरह से आ सकते हैं. इसका रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव का मतलब है कि पंपिंग लेमा ट्रू हो जाए, और इसका रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है, यानी पंपिंग लेमा ट्रू ना होए. ठीक है, अब ये देखें कि किसी लैंग्वेज के रेगुलर होने के लिए हमने ये कंडीशन डिफाइन की, इफ अ लैंग्वेज इज अ रेगुलर लैंग्वेज देन ए हैज अ पंपिंग लेंथ पी. फॉर एग्जाम्पल के हमारा इस लैंग्वेज में से कोई भी एक स्ट्रिंग होगा जिसको हम पंप आउट करेंगे और उसकी लेंथ पी होगी, okay? और जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ होगी वो इस या तो पी के बराबर होगी या पी से बड़ी होगी, डिपेंडिंग के हम किस तरह की लैंग्वेज का स्ट्रिंग ले रहे हैं. तो समटाइम वो लेंथ बड़ी आएगी, लेकिन पी से कभी छोटी नहीं हो सकती. यानी जो पंपिंग लेंथ हमने अज्यूम की है या सपोज की है, उससे हमेशा उस स्ट्रिंग की लेंथ ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी. और फिर हम क्या करते हैं, हम उस स्ट्रिंग को तीन हिस्सों में तकसीम कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्ट्रिंग एस लिया आपने, और मैं अभी स्ट्रिंग डिफाइन नहीं कर रहा, ये स्ट्रिंग है. फॉर एग्जांपल दिस इज द होल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहां से लेकर यहां तक. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि हमने स्ट्रिंग के तीन हिस्से करने हैं, एक, दो और तीन. सो एक हिस्से को हम एक्स का नाम दे देंगे, दूसरे हिस्से को हम वाई का नाम दे देंगे, तीसरे हिस्से को हम जी का नाम दे देंगे. सो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, ये एक्चुअली लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहा है. कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है. अब उसको जो तीन हिस्सों में हमने तकसीम करना है, वो तीन पार्ट्स की डिवीजन किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन एक चीज आपने मेक श्योर करनी है कि जो उसका वाई पार्ट है यानी जो सेंट्रल पार्ट है, उसकी लेंथ हमेशा जीरो से बड़ी होगी. यानी कम से कम आप एक लेंथ का स्ट्रिंग लाजमी उसके अंदर से उठाएंगे. जब हम स्ट्रिंग को तीन हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे. पहली कंडीशन क्या कहती है कि जी एक्स वाई रेस टू आई जी. वाई रेस टू आई जी मतलब कि एक्स फिक्स रहेगा, जी फिक्स रहेगा, लेकिन ये जो जी वाला पोर्शन है इसको हम वाई रेस टू पावर आई करेंगे फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. यानी वाई की वैल्यू वन रखें, टू रखें, थ्री रखें, इसका मतलब है कि जो वाई का पार्ट है अगर इसकी लेंथ टू कर दी जाए तो y वाला पोर्शन टू टाइम्स रिपीट होगा, फिर थ्री कर दे थ्री टाइम्स रिपीट होगा, यानी y एक्सपेंड होता चला जाएगा. नाउ जब हम y को किसी पावर ऑफ i में लेंगे, तो उसके बाद मेरे पास जो नया स्ट्रिंग आएगा वो होगा x टाइम्स y रेस टू पावर i टू z. और अगर वो स्ट्रिंग a से बिलोंग करता है फॉर ऑल i ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और लेंथ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और length of x y is less than p है, then we said that the language is regular. यानी test हमारा positive आ गया. positive test आने का मतलब ये है कि जो language है pumping lemma ने prove कर दी. लेकिन अगर ये condition satisfy नहीं होती,
तो हमारा टेस्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। जब नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि जी दिस इज अ डिसाइडेबल प्रॉब्लम दैट द लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। अब ये नेगेटिव कैसे आएगा कि हम इस चीज को प्रूव करने के लिए कि लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर हम कंट्राडिक्शन वाली प्रूव बाय कंट्राडिक्शन करेंगे। हम स्ट्रेट अवे इसको ऐसे प्रूव नहीं करेंगे बल्कि हम इसकी कंट्राडिक्शन में जाएंगे और हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है। और अगर वो कंट्राडिक्शन में हम प्रूव नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली हमारी लैंग्वेज होगी वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होगी। ओके जी, हमने इस चीज को प्रूव करना है कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है, तो वी विल मूव ऑन टू द प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है, और प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन के अंदर हम इस चीज को प्रूव करेंगे कि कोई लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। क्या करना है आपने कि जी अज्यूम करना है दैट अ लैंग्वेज इज रेगुलर, और सेकेंडली हम अज्यूम करेंगे कि इसकी पंपिंग लेंथ पी है, और जो कोई भी स्ट्रिंग दैट दैट इज लॉन्गर देन पी कैन बी पंप्ड। अब हम एक स्ट्रिंग एस फाइंड करेंगे और वो एस स्ट्रिंग एस जो होगा उसकी लेंथ उस पी से बड़ी होगी, और डिवाइड करेंगे स्ट्रिंग को इनटू एक्स वाई एंड जी, और फिर इस चीज को शो करेंगे कि एक्स टाइम्स वाई रेज़ टू पावर आई टाइम्स जी डजंट बिलोंग्स टू ए, यानी ए से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है कि मेरी ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही फॉर सम आई। ऊपर हमने बात की थी कि फॉर ऑल आई उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पर अगर किसी एक भी आई की वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई नहीं होता, इसका मतलब है कि वो ए से बिलोंग नहीं करता। अब हम देखेंगे कि हम एक्स इस स्ट्रिंग एस को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं एक्स वाई जी में मुख्तलिफ तरह से, और तमाम पॉसिबिलिटीज को देखते हुए हम देखेंगे कि उन तमाम केसेस में जो मेरी कंडीशन है पंपिंग कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो सेंस हम ये प्रूव कर देंगे कि एस जो है वो पंप नहीं हो सकता, दैट इज अ कंट्राडिक्शन, और उस देन वी विल प्रूव कि जी लैंग्वेज इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। तो जो एग्जाम्पल हमने लेनी है उस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं कि हमारे पास लेट्स से कि वी हैव अ लैंग्वेज एल, और वो लैंग्वेज क्या है कि ए की पावर एन और बी की पावर टू एन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल सच दैट कि आपका जो एन है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सो नाउ दिस इज योर लैंग्वेज, और हमने ये प्रूव करना है कि दिस लैंग्वेज इज नॉट आर रेगुलर लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो हम अज्यूम करते हैं कि पी क्या है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मेरी पी जो है दैट इज फॉर एग्जाम्पल थ्री। तो अगर मेरा पी थ्री है तो अब मेरा स्ट्रिंग एस क्या होगा, इट वुड बी ए की पावर पी, पंपिंग लेंथ पी ले लिया ना मैंने, और बी की पावर 2p. So what would be our string? क्योंकि a की पावर p 3 है तो a, तो मेरा जो स्ट्रिंग होगा वो एक्चुअली होगा a, और b is 2n, so b जो होंगे वो a से डबल होंगे। So now this is my s. द नेक्स्ट थिंग इज कि हमने इस एस को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है, एंड वो तीन हिस्से कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के मैं कहता हूँ कि वो है ए ए, तो पहली बात तो ये कि एक्स को हम ए से ले लेते हैं, तो ए ए ए और 1 2 3 4 5 6। तो वट इज दिस कि ये मेरा एक्स है, and this is my y part and this is my z part. Now assume karein ki meri I ki value jo hai that is 2. Jab main I ki value 2 leta hu to it means ke mere paas jo hoga wo hoga x times y ki power 2, to ho gaya a, aur y ki power 2 ka matlab hai ke a jo hai wo y जो है वो 2 टाइम्स आएगा। नो a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 6 एंड 5
फाइव इज नॉट इक्वल्स टू टू टाइम्स फाइव, यानी फाइव जो है वो टू टाइम्स फाइव यानी टेन के इक्वल नहीं है. सो इस केस में दिस जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग बना है मेरा ये वाला, जो कि एक्स टाइम्स वाई की पावर टू जी, इट डजेंट बिलोंग्स टू ए. सो हेंस हम इस केस के अंदर कहते हैं कि दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर. लेकिन मैंने कहा था कि ऑल द वे आपने इस चीज को प्रूव करना है. अब एक्स को फर्दर हम कैसे डिवाइड करें, फॉर एग्जाम्पल अब हम सेकेंड केस में एस पंपिंग लेंथ थ्री है, एस इज इक्वल टू, तो अब इसकी हम बात करते हैं. इस केस में लेट से अब जो वाई है वो मैं कुछ ऐसे लेता हूं, सो इन दिस केस माय दिस इज माय एक्स पार्ट, दिस इज माय वाई पार्ट एंड दिस इज माय z पार्ट. अगेन यहीं पे हम फिर दोबारा सपोज करते हैं कि i इज इक्वल्स टू टू है, और अब देखते हैं कि आपकी बारी अगर x या x टाइम्स y रेज टू पार्ट टू टाइम्स z बिलोंग्स टू a. अब इस चीज को हमने प्रूव करना है कि बिलोंग्स टू a है कि नहीं है. सो क्या करेंगे, तो एक्स तो मेरा एज इट इज ए ए ए बी, नो वाई रेज टू पार टू है तो वाई को यानी बी को बी बी और बी बी, यानी दिस इज माय वाई रेज टू पार टू पार्ट, और फिर बी मेरा फिक्स है वन टू थ्री. अब देखें इस केस में आपके ए थ्री हैं लेकिन वाई जो है वो 8 हो गए हैं, तो 3 और a की अगर वैल्यू 3 है तो 2 टाइम्स 3 6 होता है, तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 6, बचते वो 8 हो गए हैं. सो इट मींस के अगेन दिस डजंट बिलोंग्स टू a, क्योंकि मेरा जो ये वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा, सॉरी इतना हिस्सा, this is y raised to power 2, ठीक है, और ये वाला हिस्सा मेरा x है, इतना हिस्सा, और सॉरी z है, इसको तो हमने छेड़ा नहीं, इसको भी हमने नहीं छेड़ा. तो मेन टू से कि जब हम कोई भी p की वैल्यू लेके स्ट्रिंग को पंप आउट करेंगे और उसके ऊपर y को किसी भी वैल्यू i के लिए टेस्ट करेंगे, तो जो नया स्ट्रिंग जनरेट होगा अगर तो वो लैंग्वेज से उसी लैंग्वेज का पार्ट रहता है जिसको कि हमने अज्यूम किया था, तो फिर तो हम कहेंगे कि जी वो लैंग्वेज रेगुलर. बट अब ये सेटिस्फाई अगेन सेकंड केस पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो एस कैन नॉट बी पम्प्ड, इट मींस सो हेंस अगेन यहाँ पे हम इस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि ये लैंग्वेज रेगुलर, या इसका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया. अब तीसरा केस हम लेते हैं कि अगर मेरे पास फिर अगेन ए की वैल्यू पी की वैल्यू 3 ही है, और अब हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं, मैंने पहले अज्यूम किया था कि जो मेरा वाई है, मैंने आपसे पहले कहा कि हमने देखना है कि ऑल पॉसिबल वेज के हम एस को डिवाइड कर दें. तो पहला पॉसिबल वे था कि मैं वाई को पहले हिस्से से लेता, दूसरा वे था कि मैंने वाई को सेकंड पार्ट से लिया. अब तीसरा काम ये करते हैं कि वाई को हम एग्जैक्टली सेंटर से उठा लेते हैं, एक दो एग्जैक्टली सेंटर से, मेरा मतलब ये है कि उसमें ए वाला पोर्शन भी हो और बी वाला पोर्शन भी हो. नो दिस टाइम दिस इज माय एक्स पार्ट, दिस इज माय वाई पार्ट. अब देखें अब इससे ज्यादा हम एक्स को क्या डिवाइड करेंगे एक्स वाई जी में, कि पहले हमने एक्स वाई को ए वाले पार्ट से उठाया, फिर हमने वाई को बी वाले पार्ट से उठाया, अब हमने वाई को उस हिस्से से उठाया जिसमें ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, और नाउ अगेन अब हम आई की वैल्यू को फिर दोबारा से टू अज्यूम कर लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि क्या एक्स वाई रेज टू पार्ट टू
z belongs to a. Now this is my question कि क्या ये इससे belong करता है. तो अब इस चीज को देखने के लिए जब हम दोबारा से इसके ऊपर जब i की पावर लगा के, तो x मेरा वैसे ही रहा. Now y क्या है, y की raise to power 2 है, इसका मतलब है कि y 2 times आ जाएगा, ab, और z वैसे ही रहेगा. Now this time, अब आप गौर करें कि जो y raise to power 2 हमने लिया था, उसने एक तो एक violation तो ये हो गई कि हमारी language ये कहती है कि a is always followed by b. तो यहाँ पे तो हमारा sequence ही खराब हो गया, continue. यानी बी के बाद दोबारा ए आ गया. सो दैट्स व्हाई दिस आल्सो अगेन डजंट बिलोंग्स टू ए. तो हेंस वी प्रूव दैट दिस लैंग्वेज इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज. ओके, तो हमने पहली उन कंडीशन में एक कंडीशन तो देख ली ना. अब देखते हैं कि क्या मेरी वो कंडीशन टू लेंथ ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई होती है. सो एक्स क्या है, ए और ये. तो अब लेंथ ऑफ एक्स वाई देखते हैं यहाँ पर सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती. Length of x y is less than equals to p, for example. So, इस केस में length of x y क्या है, 3. 3 is less than equals to p. ये condition यहाँ पर satisfy हो रही है. लेकिन देखें, ये condition satisfy हो रही है, दूसरी नहीं हो रही. हमने कहा था कि all the three condition must be satisfied. Again, यहाँ पर although कि मेरी ये condition satisfy है, लेकिन this जो string है मेरा for i is equal to 2, that doesn't belongs to a. और इसके regular होने के लिए था कि ये उस a से belong करता होता. तो एक condition dissatisfy हुई, दूसरी satisfy हो गई, but still तीनों condition का satisfy होना जरूरी था. लिहाजा ये वाला हिस्सा ये कहता है कि ये regular language नहीं है. ना दूसरी तरफ आते हैं. तो x है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and length of x y की अब यहाँ पे अगर बात करें तो 6 is not less than equals to 3. ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ना तो वो स्ट्रिंग ए से बिलोंग करता है, ना ही एक्स और वाई की लेंथ जो है वो 3 से कम है. सिमिलरली यहाँ पर आ जाएं, एक्स और वाई की लेंथ देखें, तो एक्स और वाई की लेंथ इस केस में क्या है, 4, एंड 4 इज अगेन नॉट लेस देन एंड इवन नॉट इक्वल्स टू पी, यानी कि 3 से लेस देन नहीं है. तो ये कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती. सो हमने इन तीनों केसेस के अंदर देखा कि पहले केस के अंदर जब हमने ए एक्स वाई जी में डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ एज जो थे और जो नंबर ऑफ बीज थी, उनकी जो एक रेशियो थी कि नंबर ऑफ बीज आर ऑलवेज डबल्स द नंबर ऑफ ए, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, लिहाजा स्ट्रिंग बिलोंग नहीं कर रहा था हमारा. हमने ये कहा कि स्ट्रिंग उससे बिलोंग नहीं करता. फिर सेकेंड पार्ट में आए, अगेन वही हुआ, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बीज पैटर्न में तो वो ए और बी का सीक्वेंस वही था, लेकिन नंबर ऑफ बीज एग्जैक्टली नंबर ऑफ ए के डबल नहीं आ रहे थे, लिहाजा वो ए से बिलोंग नहीं करता. तीसरे केस में गए, तो उस केस के अंदर हमने देखा कि जो स्ट्रिंग था, दैट डज नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज. सो वी प्रूव दैट डजंट बिलोंग्स टू अवर लैंग्वेज, और फॉर द लैंग्वेज टू बी द रेगुलर इट मस्ट बिलोंग्स टू ए. और सेकेंडली इसके साथ एक और कंडीशन जो हमने टेस्ट करके देखी है, वो ये देखी है कि जो लेंथ ऑफ एक्स और वाई है वो पी से कम होनी चाहिए. तो पहले केस के अलावा अगले दोनों केसेस के अंदर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. सो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड दैट द लैंग्वेज डजंट लैंग्वेज इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज. अच्छा, ये सिर्फ एक तरीका हमने डिस्कस किया है प्रूव करने के लिए कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है. यूजली ये आपको थ्योरेटिकली बुक्स के अंदर नजर आता रहेगा, स्टडीज में आता रहेगा, लेकिन देर आर many other ways that can be used to prove that the language is not a regular language. और फिर उन के ऊपर भी जब जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा, हम उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि हम पंपिंग लेमा के अलावा कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई लैंग्वेज रेगुलर नहीं है.